एक दिन लंकापति राजा रावण के दरबार में नारद मुनि जी पधारे। उन्होंने रावण से कहा, तुम्हारे पास सोने की लंका है, सब देव और ग्रह तुम्हारे वश में हैं, फिर भी तू एक कार्य कभी नहीं कर सकेगा। तब रावण ने कहा, क्या कहते हैं? तब नारद जी कहते हैं कि तू कभी कन्यादान नहीं कर सकेगा। तब रावण क्रोधित हो गया और भगवान शंकर की तपस्या में लीन होकर उन्हें प्रसन्न करके वरदान रूप में पुत्री रत्न प्राप्त किया और वही पुत्री बड़ी होकर चमत्कारिक माँ दुर्गा के प्रकट होने का कारण बनती है। वो किस प्रकार गुरुदेव? बहन, कोई महान आत्मा अवश्य तेरी कोख से जन्मेगी। क्या हुआ, क्या हुआ? उठा उठा चलो। क्या हुआ? बेटी हुई है। हाँ? पर क्या? हिलती नहीं है, रोती नहीं है, कुछ भी नहीं करती है। हे भगवान, कौन से कर्म की सजा दे रहा है प्रभु? घबराओ मत, जाओ पुत्री को ले आओ। चिंता मत करो, आज पूनम है, साथ में गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैंने कहा था ना, माँ की कृपा से हाथ पैर हिला रही है और आंखें भी खुल गई हैं। मैं तो धन्य हो गया। सोना का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। तो यही खेल रही थी। आप तो घर का ना बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते। सोना बेटा, सोना। अजी सुनते हो, जल्दी आइए, जरा जल्दी आइए। क्या हुआ? माँ को झूला तो झुलाएगी ही ना, माँ के आशीर्वाद से ही तो इसकी आंखें खुली हैं। भिक्षाम देही। बेटा सोना, साधु महाराज को भिक्षा दे दो। देती हूँ बापू। सदा सुखी रहो बेटी। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बेटी। गुरुदेव आप मेरा हाल लेकर अपनी माला मुझे दे दीजिए। बेटी ये तो तुलसी की माला है,
तेरा तो सोने का हार है। पर मुझे तो तुलसी की माला ही चाहिए गुरुदेव। इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना वैराग्य। ले बेटा, सुखी रहे। जय माता की बेटा। कैसे हो चाचा? बस मजे में बेटा। माँ मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अपनी सोना बड़ी हो गई है पर बचपना नहीं गया। आपको तो ये बड़ी होती दिख रही है पर इन्हें तो बिल्कुल दिखता नहीं। जाकर चार आदमियों से शादी की बात करनी चाहिए लेकिन इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन जिसकी शादी जहाँ लिखी होगी वही होगी। आप इसी तरह बैठे रहो, आपसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बेटी की शादी करने में पैरों की चप्पल तक घिस जाती है। मेरे गांव में एक अच्छा लड़का है और उसका घर भी अच्छा है। आप कहें तो अपनी सोना की बात करूं। हाँ हाँ कीजिए ना भैया। देखते रह गए। मामा देखो तो, तुम्हारे पैर छूने से पहले ये भिखारियों के पैर छू रही है। अखंड सौभाग्यवती भव। सुनो बेटा सोना, आज से तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी ननद तुम्हारी बहन के समान है। ससुराल में जाकर सबकी लाडली बनकर रहना। दुख के दिन आए तो भी हिम्मत मत हारना। अपने माँ बाप की इज्जत की लाज रखना बेटा। सोना। गुरुदेव। बेटा विदा होने का समय आ गया। हाँ गुरुदेव। बेटी को इस पृथ्वी पर तीन बार जन्म लेना पड़ता है। पहली बार माँ की कोख से जन्म लेती है और बेटी बनकर माँ बाप का आंगन पवित्र करके जाती है। दूसरी बार जब शादी करके ससुराल जाती है, वहाँ किसी की भाभी किसी की पुत्रवधू बनकर उसका आंगन खुशियों से भर देती है। और तीसरी बार जब वो बेटी माँ बनती है, तब भले ही उसकी कोख से पुत्र या पुत्री जन्मे लेकिन उस स्त्री का माता की तरह जन्म होता है। गुरुदेव मैं अपने इन तीन जन्मों को सार्थक करके बताऊंगी गुरुदेव। परंतु तुम्हारा मन तो माँ दुर्गा में है। जाओ माता दुर्गा की मूर्ति साथ ले जाओ, अपने ससुराल में उनकी स्थापना करो और जब तुम माँ दुर्गा को याद करोगी तब माँ दुर्गा तुम्हारी सहायता करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सुखी रहो बेटी। अजी आपकी बेटी हमें यहाँ खड़ा करके अंदर क्या कर रही है? सोना बेटा बाहर आ तो। सुखी रहना बेटी। ना बेटा। अरे तुम माँ बेटी ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो, ऐसे रो रही हो। ऐसे मत बोलिए आप लोग, कन्या की विदाई के समय माँ बाप तो रोते ही हैं। अजी बेटी को क्या लड़ाई पर भेज रहे हो जो इतना रोना आ रहा है? अरे अब इसे अपने पति के घर जाना है, इसमें इतना रोने की क्या बात है? सासु माँ इन माँ बेटी का प्रेम तुम्हारे जैसी माँ बेटी को कभी समझ में नहीं आएगा। क्या बोला? हाँ वही, शादी के बाद आपकी बेटी को ससुराल जाना चाहिए लेकिन वो आपके पास रहती है। आप अपनी शादी के बाद अपने ससुराल जाने के बजाय अपनी माँ के पास रही, आपकी माँ उनकी माँ के पास रही, उनकी माँ उनकी माँ के पास रही, इसीलिए इन माँ बेटी का प्यार आपके जैसी माँ बेटी को कभी नहीं समझ में आएगा। ए बैलगाड़ी वाले भाई चलो जाने की तैयारी करो। नहीं चलो। जय माता दी। चलो चलो।
नहीं पहले तुम लो ना। नहीं पहले आप लीजिए। नहीं पहले तुम। माँ आपकी कृपा से मेरे ससुराल में हमेशा खुशियाँ बनी रहे, है ना माँ? क्या खा खुशियाँ बनी रहेंगी? सोमू का बाप तेरी ही तरह पूजा पाठ किया करता था और कोई भी काम धंधा नहीं करता था, इसीलिए मैं इस घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं रखती और उनका नाम तक नहीं लेने देती। हमारे घर में देवी भी नहीं चाहिए और देवी का नाम भी नहीं चाहिए। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लोग इस देव की पूजा तो करते ही है ना, यानी कि मेरी। क्या बोला तू? क्या माँ, ये अभी अभी शादी करके आई और तुम ऐसी बातें कर रही हो? इस घर की मालकिन मैं हूँ और मैं जैसा कहूँगी वैसे ही करना पड़ेगा। तुम माँ बेटी को जो करना हो करो। सोमू, सासुमा। ए सासुमा। बोलो। एक बात कहूँ? कहो। सचमुच कहूँ? अरे बोलो ना। लेकिन भड़कते क्यों हो? देखो सासुमा, मेरी एक विनती है कि सोना भाभी जो देवी माँ की मूर्ति यहाँ लाई है उसकी उन्हें पूजा करने दो, इनके ऊपर थोड़ी दया करो। इस घर में क्या करना है ये मुझे देखना है, तुम्हें नहीं, समझे? चल जाओ यहाँ से। तुम कभी नहीं सुधरोगी हैं। अब तू क्या देख रही है? चल गए ने उतार और रसोई में जाकर काम कर। हाँ, और ये चमकती साड़ी उतार कर काम करने जा। माँ के कहने पर ही तो सोना से शादी की, अब वो सोना के साथ ऐसा क्यों कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे सोमू तू गुस्सा मत हो। अरे सोना भाभी का स्वभाव कितना शांत है, और देखना उनके इसी स्वभाव के कारण तुम्हारी माँ और नीम जैसी कड़वी तेरी बहन का स्वभाव जरूर बदल जाएगा। सोना, मुझे बहुत अफसोस है सोना। क्यों? मेरी माँ और बहन ने तुम्हारा कितना अपमान किया। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मैं बुरा नहीं मानती। आपकी माँ तो मेरी भी माँ के समान है ना सोना। तुम तो साक्षात देवी हो। अब छोड़ो भी सोना। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? हम सब खुश रहे, यही मेरी इच्छा है। बस यही और कुछ भी नहीं? मैं माँ के दर्शन करना चाहती हूँ, आप भी चलेंगे ना? माँ जब खुश होगी तब उससे बात करेंगे, जरूर ले चलूंगा। रुक सोना, मैं तुझे पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, तेरी ये पूजा मेरे घर में नहीं चलेगी, और अगर फिर से पूजा की तो इस थाली के साथ तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। पूजा करने में क्या परेशानी है माँ? माँ की पूजा करना कोई अपराध तो नहीं है? मैंने तुझे पहले भी कहा है कि सोमू का बाप पूजा पाठ के चक्कर में हमें छोड़कर साधुओं के साथ भाग गया। सासू माँ, मेरे ससुर जी भक्ति रस में डूबकर नहीं भागे, वो तो तुम्हारी जैसी रणचंडी का अवतार देखकर और तुम्हारे अत्याचारों से दुखी होकर भाग गए थे। पर माँ मैं कहीं नहीं भागने वाला। सोमू, तेरी बीवी सारा दिन पूजा पाठ करती रहती है और हम माँ बेटी सारा दिन घर में काम करते रहते हैं। तुम काम करेगी तो घिस तो नहीं जाएगी ना? अरे माँ देख, अपनी बीवी के सामने हमें कैसे डांट रहा है। चुप। मीठी मीठी, देख सोना सोमू की पत्नी है और उसे क्या करना है और क्या नहीं ये सोमू को देखना है। तू मेरी बीवी है, तुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे देखना है। चलो हम शादी में आए थे ना, अब शादी हो गई, चलो अपने घर। रहने को घर नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जब सब कुछ मुझे ही देना है तो नहीं भेजना है, जा। सोमू अपनी माँ को बोल, जब मेरे साथ भेजना ही नहीं था तो मेरे साथ शादी क्यों करवाई इसकी। मीठी, पति ही परमेश्वर होता है, तू जा इसके साथ। देख सोमू, इस घर में क्या करना है क्या नहीं ये मुझे देखना है, तुझे नहीं, समझे? सुन गड़बड़दास, मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजने वाली, और अगर तुम्हें यहाँ रहना ही है तो ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहे। मैं तुम्हारे घर में पड़ा रहूंगा ना तो लोग मुझे घर जमाई कहेंगे, घर जमाई। अरे घर जमाई नहीं, चौकीदार कहेंगे, चौकीदार। चौकीदार नहीं, कुत्ता, पालतू कुत्ता कहेंगे, समझ गई औरत जात? मामा देखो ना, मुझे औरत जात कह रहा है। चलो अब ये सब छोड़, तू मुझे ये बता तू अपने घर चल रही है या नहीं? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी ना? देख तू अपने घर नहीं आएगी ना तो सारे घर को जला दूंगा और धर्मशाला में चला जाऊंगा। तुम धर्मशाला में जाओ या जंगल में जाओ, इससे मुझे क्या मतलब, तू नहीं आएगी? नहीं। तो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। अरे गड़बड़दास भाई, गड़बड़दास
आप इस तरह मत जाइए। अरे क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं सोमू? तुम्हारी बहन मेरी बीवी नहीं रही तो यहाँ रहकर मैं क्या करूं? चलो आखिरी बार गले लग लेते हैं। चल मैं जा रहा हूं, अब तू संभालना अपनी बहन को। माँ तूने ये क्या कर दिया, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया। सोमू तू मुझे मत समझा, मुझे क्या करना है मुझे पता है। अरे मैं तो आप दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ माँ। माँ ये जो बोल रहा है ना, ये भाई नहीं बोल रहा है, भाई के मुँह से भाभी बोल रही है। शादी शादी शादी, परेशान हो गया हूँ मैं शादी से। अरे शादी के बाद तो लड़की विदा होती है, पर यहाँ तो मेरी विदाई हो गई और कोई रोने वाला भी नहीं है। क्या बीवी मिली है साली, क्या बीवी मिली है। अरे ये क्या बोल रहा है गड़बड़? हनुमान चालीसा क्यों, आप लोगों को तकलीफ है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि यूं चलते चलते भरी दोपहरी में ये हनुमान चालीसा। वो तो भाई जिसको दिन दहाड़े तारे दिखते हैं ना, उसी को पता होता है कि हनुमान चालीसा कब बोलना है। अरे हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा क्यों कर रहा है, तू क्या ब्रह्मचारी हो गया है? ब्रह्मचारी हो गया हूँ? अरे भाई जब से मेरी शादी हुई है तब से ब्रह्मचारी ही तो हूँ। अरे पर तेरी बीवी तो सुंदर है, बढ़िया है, काजू कतरी जैसी है। तुझे शादी करनी है उससे तो जाकर काजू कतरी खा, ना मिलेगा काजू ना मिलेगी कतरी, सिर्फ छिलके खाता रह जाएगा। अरे भाई गड़बड़, बस यही तो तू भूल कर रहा है। अरे बीबियों को तो सुहागरात में ही वश में कर लेना चाहिए। हाँ बोलो, ये सुहागरात की बात कर रहा है? अरे यहाँ सुहागरात देखी किसने है, तुझे पता है सुहागरात कैसी होती है? हाँ, ऐसे पलंग बिछा होता है और उस पर सुंदर सुगंधित फूल होते हैं। मेरे समय तो धतूरे का फूल था। और बगल में दूध का गिलास होता है। मेरे बगल में कड़वे नीम का रस था। और फिर सामने जाके बीवी का घूंघट उठा। तुझे कैसे पता चला भाई? देखो भाई तू तो शादीशुदा है। अरे मैंने भी यही किया था, लेकिन थोड़ी देर में मेरी बीवी ने मेरी खोपड़ी फोड़ दी। अरे पर गड़बड़ उसे बोलने ही क्यों दिया? लो बोलो, ये कहता है बोलने नहीं देने का। अरे मेरी बीवी और सीटी में कोई फर्क नहीं है। वो किस तरह? सीटी बंद हो सकती है, नहीं होती तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बीवी 24 घंटे बोलती रहती है। अरे पर अब तेरा इरादा क्या है? धर्मशाला में जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो चलो। जब से सोना गई है तब से घर खाने को दौड़ता है। थोड़ा समय तो ऐसा लगता ही है। सोना के बापू, मुझे एक बात की चिंता सताती रहती है कि हमारी सोना को कोई दुख तो नहीं होगा ना? अरे पगली, इतना अच्छा तो घर मिला है और दामाद जी का स्वभाव तो कितना अच्छा है। जब अपनी सोना की विदाई हुई तब उसकी सास और ननन कैसी कैसी बातें कर रहे थे, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। हाँ उसकी सास थोड़ा ऐसा बोलती है, लेकिन मन की साफ है और अपनी सोना के स्वभाव के आगे तो सभी झुक जाते हैं, समझी? अरे हाथ में मक्खन लेकर क्या बैठी है? इस मक्खन को नीचे रख और मट्ठे की मटकी को लेकर अंदर जा। सुबह सुबह कुछ काम है कि नहीं? Thank you.
अरे ये क्या? अरे करमचली, ये क्या किया तूने? मेरा सब मट्ठा गिरा दिया। अरे पागल, मेरी मटकी भी तोड़ डाली। तू तो मेरा घर लुटाने का तुली है। आय हाय, अरे चल अब टुकड़े उठा। अरे अपने गड़बड़ दास का वनवास बहुत लंबा चला, नहीं? तेरी बात सही है। क्या सही बात है, हैं? अरे राम भगवान ने भी 14-14 साल तक वनवास भोगा था, इसमें इस गड़बड़ की क्या विसात है? अरे लेकिन गड़बड़ यार, तुझे तो तेरी बीवी ने छोड़ दिया था ना? गलत बात, उसने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया था। माँ बेटी का सत्यानाश हो, सारा दिन लड़ाई झगड़ा करती थी। पानी पियोगे तुम लोग? हाँ लाओ ना, मैं ही पी लूं। अरे इसमें तो पानी भी नहीं है। ओहो, यहाँ भी ये काम मुझे करना पड़ेगा, भर के लाता हूँ। ए प्रभु, बेचारा गड़बड़ तो अनाथ हो गया। सच्ची बात है भाई, शादी के बाद इंसान नाथ और शादी के बाद झगड़े हो तो इंसान अनाथ, याद रखना। पानी भर के लाता हूँ। अरे तुझे क्या लगता है, ये शादी करके स्वर्ग का सुख मिलता है क्या? ये देख मेरी हालत कैसी हो गई है बापू। इसीलिए कहता हूँ कि गड़बड़ दास गुरु हो जाए और हम दोनों उनके चेले बन जाएं। अरे हाँ, फिर रहने और खाने की चिंता भी नहीं रहेगी। तेरा जीवन क्या हो गया है रे? बिल्कुल नरक की तरह हो गया है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, दोनों खून पी गई है। अरे ये क्या गड़बड़, तू पानी भरने गया था? हाँ, अपना काम खुद करो, ये मेरा नियम है। तेरी बीवी कहाँ है? अपनी माँ के घर गई है। तो क्या वो अपनी माँ के यहाँ रहेगी? हाँ, क्योंकि उसे माँ का घर पसंद है। उसे जाकर खींच कर ले आओ। क्यों, वो क्या भैंस है जो खींच के ले आऊं? मेरा ही पहनाया हुआ मंगलसूत्र मेरे ही गले का सांप बन गया है। ये लो पानी पियो और ढक देना। जब से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, तब से पूरा गांव एक ही बात कर रहा है। मन में एक शंका है कि कृष्ण भगवान की तरह मुझे भी कोई राधा मिलेगी क्या? अरे भाई राधा तो दूर, तेरे साथ कोई मिट्टी की पुतली भी नहीं जाएगा। वाह, मुझे तुम दोनों की तरफ से इसी जवाब की उम्मीद थी, पर चिंता मुझे इस बात की नहीं है। चिंता मुझे ये हो रही है कि जो है अगर वो भी छोड़कर चली जाएगी तो। तालाब से आ रही हूँ। तालाब से? क्या हुआ? माँ, सोना की वो मूर्ति थी ना माता जी की, हा? वो मैंने तालाब में फेंक दी। तालाब में फेंक दी? अब ना सोना कभी पूजा नहीं कर सकेगी। कभी पूजा नहीं कर सकेगी? हाय हाय मेरी लाडली बेटी। माता की मूर्ति कहाँ चली गई? माता की मूर्ति कहाँ गई? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, माता की मूर्ति नजर नहीं आ रही। देवी माँ तो मायावी होती है, अदृश्य हो गई होंगी। सच कह रही हूँ ना माँ? हाँ बेटा, चल जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ गई। माँ माँ मुझे पानी दो। हाँ बेटा अभी लाती हूँ। हाँ ये भी खाली? अरे हाँ इसमें तो पानी है। अरे,
अभी तो था, कहाँ गया पानी? हाँ, इसमें है। इसमें था ना पानी, कहाँ गया? माँ, पानी दो ना। अरे, पानी चोर कर रहे हैं। माँ, जल्दी पानी दो। अरे हाँ, इसमें तो पानी है। क्या हो रहा है? माँ, इसमें है, इसमें तो है, जरूर है। ले बेटी, सारा पानी पी ले। हाँ, ले लोटे का पानी तो गायब हो गया। ग्लास से पानी गायब हो गया। कोई बात नहीं, तू चिंता ना कर, मैं अभी तुझे मट्ठा देती हूँ। ले बेटा, मट्ठा पी ले। हाँ, मट्ठा पी ले। मट्ठा भी गायब हो गया। गायब हो गया, अब क्या होगा माँ? तू चिंता मत कर, मैं तुझे मटके से मट्ठा देती हूँ। खड़ी रहे ना, खड़ी रहे, तू घबरा मत। हाँ, अरे ये क्या, मटके से भी मट्ठा गया? मिठी, मिठी देख बेटा, तू घबरा मत, मैं अभी कुएं से पानी लेकर आती हूँ। हाँ, तू घबराना मत। हाँ बेटा, घबराना मत। अरे ये कैसा चमत्कार! मिठी, जल्दी पानी दो। मिठी, कुएं का पानी तो गायब हो गया। कुएं का पानी गायब? माँ, माँ, सोना, सोना की माता की मूर्ति तालाब में फेंक दी थी ना, वो जरूर कोई तंत्र मंत्र वाली होगी माँ। अरे कैसा तंत्र मंत्र, चल हम दोनों तालाब पर पानी पीने जाएंगे, चल। नहीं माँ, जो हम तालाब पर गए और तालाब का पानी भी गायब हो गया तो गांव के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे माँ। जिंदा नहीं छोड़ेंगे? मिठी, तू यही रह, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं सूझता। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, कहाँ? ए सोना, क्या है माँ? घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, तू जा और तालाब से पानी भर ला। ठीक है माँ। माँ, माँ, तालाब का पानी भी गायब हो गया तो? हो जाने दे जो होना है, अगर तालाब का पानी गायब हो जाएगा तो सारा गांव उसके हाथ पैर तोड़ के उसे तालाब में फेंक देगा। अरे अपने माथे से बला टलेगी। मैंने तुझसे क्या कहा था? तुझे पानी लाने के लिए कहा था कि नहीं? फिर से तूने यहाँ आकर अपनी भक्ति लीला चालू कर दी? यहाँ मेरी गागर लाओ। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? मेरी गागर कहाँ है? मेरी ये गागर मेरी माँ ने मुझे दी थी, इसलिए तूने फेंक दी। हाँ, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है क्या? जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए, मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलिए। अरे जाने दो ना, क्यों उस पर गुस्सा कर रही हो? तू क्या इसकी माँ लगती है जो इसका पक्ष ले रही है? बहुत दया आ रही है ना, तो जाके अंदर से गागर ले आ। चल जा यहाँ से।
मेरी गागर लिए बिना अगर घर में आई तो मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी और तुझे जान से मार डालूंगी। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। जय हो दुर्गा माँ। माँ, माँ कहाँ चली गई थी? मैं पागलों की तरह आपको यहाँ वहाँ ढूंढती रही माँ। इस तरह छोड़कर मुझे मत जाना माँ, मत जाना मुझे छोड़कर। कहाँ हो आप? अरे सोना के बापू, सुन रहे हो? अरे क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ इसकी तुम्हें खबर है? सोना की सास सोना को डुबाने वाली थी। मुझे सावित्री ने सारी बातें बताई, पर माताजी की कृपा से मेरी बेटी बच गई। तुम किस लिए गांव वालों की बातें सुनती रहती हो? आपको तो सारी बातें ऐसी ही लगती हैं। मेरी सोना को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। तुम ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर देखता हूँ कि हमारी सोना कैसी है। हाँ। अगर वो ठीक से नहीं होगी तो मैं उसे वापस ले आऊंगा। जब राम जी वनवास के लिए निकले तो सीता मैया ने क्या कहा था ये मालूम है तुम्हें? क्या कहा था? जहाँ राम वहाँ सीता, ऐसा कहकर सीता जी भी उनके साथ वनवास को गई। मेरा राम जैसा पति होता ना तो मैं उसके साथ जरूर जाती। मेरा पति तो गांव पे बोझ है ना, उसके पास रहने को घर है ना उसके पास पहनने को कपड़े। ऐसा मत बोलो तुम, जब सत्यवान के प्राण गए थे तो सावित्री उन्हें छोड़कर नहीं चली गई थी, वो तो यमराज के पीछे जाकर सत्यवान के प्राण लेकर ही वापस लौटी थी। हाँ, तो मुझे ये सारी बातें किस लिए बता रही है? ये मैं सब समझती हूँ, मैं तेरी आंखों में खटक रही हूँ इसीलिए ना। मैं जानती हूँ तू मुझे इस घर से निकालना चाहती है, पर मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। मैं माता जी की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने दिल में कभी भी ये बात नहीं सोची। चुप कर, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। मेरे आगे भोली मत बन, तू अंदर से क्या है और बाहर से क्या है ये मैं सब जानती हूँ। मुझे कहा कि तू ससुराल चली जा, वहीं तो सुखी रहेगी। जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर तेरी साड़ी फाड़ दी और चली गई। देखा कैसा कर रही है माँ। उसने मेरी साड़ी फाड़ दी और तुझे घर से बाहर जाने के लिए कह रही है? हाँ माँ। सोना, ए सोना। क्या हुआ माँ? अरे क्या है क्या, मेरी साड़ी फाड़ दी, मेरी बेटी को वनवास भेजने की बात कर रही है? नहीं माँ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने साड़ी नहीं फाड़ी। अरे झूठ बोल रही है, मेरे सामने झूठ बोल रही है। हाँ, मैं तुझे नहीं छोडूंगी। सुन, तुम इंसान हो कि राक्षस? मैंने अपनी बेटी को इस तरह मार खाने के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं भेजा है। इतना ही कहने को इतनी दूर से यहाँ आए हैं? तो आप भी सुन लीजिए, ये घर मेरा है और सोना भी मेरी है। इसके साथ क्या करूँ क्या नहीं करूँ वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं इसका बाप हूँ, मैंने इस तरह इसको मार खाने के लिए यहाँ नहीं भेजा है। इतना ही दर्द हो रहा है ना, तो ले जाओ इससे अभी के अभी, मैं अपने बेटे की फिर से शादी रचाऊंगी। चल बेटी। मुझे मेरी सोना भारी नहीं पड़ेगी। चल बेटा सोना। नहीं बापू, बेटी के लिए ससुराल ही घर होता है, शादी के बाद मायके आ जा सकती है, वहाँ रहने लग गई तो लोग थू थू करने लगेंगे। यानी मैं तुझे इस नर्क में धकेल कर चला जाऊं? जहाँ मेरा पति हो वो जगह मेरे लिए स्वर्ग है बापू। मतलब मैं तुझे इस दुख में तुझे छोड़कर चला जाऊं? सुख या दुख,
नर्क हो या स्वर्ग, ये घर मेरा है बापू, ये सब मेरा है। तुझ में इतनी समझदारी कहां से आई बेटा? माता रानी तुझे सुखी रखे। मैं जा रहा हूं बापू, मुझे माफ करना बापू, मुझे माफ करना। ऐसा मत बोल बापू, आप मेरे घर आए और मैं आपको एक पल की खुशी भी नहीं दे सकी, मुझे माफ करना बापू, मुझे माफ करना। तू क्यों दुखी हो रही है? तुझे दुखी देखकर मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है बेटी। बापू, माँ से कहना कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। हाँ बेटा, बापू, माँ से ये कहना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, अपनी तबीयत का ख्याल रखना बापू, तबीयत का ख्याल रखना। सोमू, अरे आप यहाँ, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कब आए यहाँ? मैं अभी आया। चलिए घर चलिए। घर से ही आ रहा हूँ। मेरी बेटी, बेटा, मैंने तुम पर विश्वास करके अपनी बेटी तुम्हें दी है, तो उसकी रक्षा करना, रक्षा करना। मैं क्या करूं बाबूजी? एक तरफ मेरी माँ और मेरी बहन है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी सोना है। माँ दुर्गा ही अब सब ठीक करेंगी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैं जाता हूँ जी। मेरी फूल जैसी बेटी को कसाई के हाथों में सौंप दिया। वो औरत ऐसी राक्षस नहीं होगी, ये मैं नहीं जानता था, मुझे माफ कर दो। ये सब तो नसीब की बात है। नारायण, तुम तो निमित्त बने। कौन सा फूल किसके चरणों में जाता है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। ऐसा बोल बोल के मेरी बेटी को जीते जी मार डाला। चलिए हम उसे ले आते हैं। सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है। हमारी सोना बेटी पर तो माता के चार हाथ हैं। उसका सब कुछ अच्छा होगा। माँ दुर्गा हमारी सोना की रक्षा करेगी। माँ, तुम अपने पास दर्शन करने के लिए मुझे अपने पास कब बुलाओगी? ए, खबरदार जो इस घर में तूने दुर्गा माँ का नाम लिया तो। जैसे आप मेरी माँ हो वैसे ये भी मेरी माँ जैसी है। नाम लेने में क्या समस्या है माँ? समस्या है, इसका नाम तो लूले लंगड़े बुढ़े बुढ़िया वो सब लेते हैं। इसका नाम लेने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, तो फिर तुझे क्या मिलने वाला है? माँ का नाम लेने से तो मोक्ष मिलता है। माँ का नाम लेने से तो सब काम हो जाते हैं माँ। अच्छा, सब काम हो जाते हैं ना? चल मेरे साथ, देखती हूँ तेरी दुर्गा कैसे काम करती है। सुबह तक मुझे ये सारा अनाज पीसा हुआ चाहिए। माँ, ये तू क्या कह रही है? एक रात में क्या कोई इतना अनाज पीस सकता है? ऐसा जोरू का गुलाम तो मैंने कहीं नहीं देखा। चुप, तुम्हारे जैसी माँ बेटी मैंने आज तक नहीं देखी। पहले खुद तो एक टोकरी अनाज सुबह तक पीस कर दिखाओ मुझे। भाई हम किस लिए पीसे? तुम्हारी पत्नी तो सती सावित्री, सती मदालसा और सती अनसुया की तरह चमत्कार करने वाली है। ए, देख क्या रही है, चल पीसने बैठ। ऐसा अनर्थ मत करो माँ। सोमू, तू बीच में मत बोल, चल जा यहाँ से। ए, देख क्या रही है, चल पीसने बैठ। चल बेटी। चलो माँ। बड़ी आई भक्ति करने वाली मुझे धर्म सिखाने लगी। जा मीठी, खाना यही ले आ, हम दोनों यही बैठ के खाएंगे। हाँ मैं अभी लाती हूँ। Thank you.
क्या स्वादिष्ट खाना बना है। बहुत अच्छा है माँ। मौका भी अच्छा है। परीक्षा ले रही है माँ। माँ, माँ क्या तुझे जरा भी दया नहीं आती? जो न दिन देखती है न रात बस तेरी पूजा करती रहती है, उसे इतना दुख मिल रहा है और ये सब देखते हुए भी तुम कैसे चुप रह सकती हो माँ? बोलो ना दुर्गा माँ, बोलो ना। सोने देना बेटी, सुबह सुबह सोने तो दे। वहाँ देखो तो क्या हुआ? अरे देखो तो माँ, वहाँ क्या हो रहा है? सब पीस दिया? देखने तो दे मुझे। हाय 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 हाय, पूरी रात में सब पीस दिया? अरे देख तो सही, कैसे पिसा होगा इतना सारा? सोमू, ए सोमू, क्या हुआ माँ? सोमू, तेरी बीवी में भूत प्रेत घुस गया है, उस छुड़ैल के पास जाना नहीं। सोना, ए सोना, एक रात में तुमने इतना अनाज कैसे पीस दिया? ये मुझे नहीं पता। तो फिर ये किसने किया? ये मेरी दुर्गा माँ की कृपा होगी। Thank you.
तुझे क्या लगता है ये सब देवी माँ ने किया है? अरे पत्थर की मूर्तियाँ पीसती ना तो सब घर में पत्थर की मूर्तियाँ ही रखते। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र मंगलसूत्र नहीं गले का फंदा बन गया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं सोना, बहुत अन्याय किया है तुम्हारे साथ। आप ऐसा मत बोलिए जी, मैं आपके साथ बहुत ही खुश हूँ। ये लोग इंसान नहीं है, ये लोग कसाई है, कसाई। पछताया, मैं शादी करके बहुत पछताया। अरे इसे भी शादी कहते हैं? क्यों? अरे क्यों क्या, मेरी हालत नहीं देख रहा है? मेरी बीवी है या शेरनी यही पता नहीं चलता। आखिर बीवी तो एक औरत ही है, वो कोई शेरनी थोड़ी है। शेरनी से कौन डरता है? अरे शेरनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बीवी को भगवान ने शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक बनाया है और फिर मेरे गले में लटका दिया। अरे नाम तो उसका मीठी है पर अंदर से बाहर से एकदम कड़वा करेला है। अरे पर क्या उसकी माँ उसे कुछ नहीं सिखाती कि प्यार किसे कहते हैं, प्यार कैसे करते हैं वगैरह वगैरह? अरे उसके खानदान में तो प्यार करने का रिवाज ही नहीं है। पता मतलब? मतलब मेरी सास मेरे ससुर से प्रेम नहीं करती थी तो अपनी बेटी को कैसे सिखाएगी? अरे नदी में पानी होगा तब तो नाले में आएगा। अरे अगर कपड़ा फटा हुआ हो तब तो उसे सिलवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी थानी खराब है भाई। अरे गड़बड़, मेरे गले में तेरी एक भी बात नहीं उतरती है। हाँ कौन सी बात भाई? अरे गड़बड़, अगर तेरी सास तेरे ससुर को प्रेम नहीं करती होती तो तेरी बीवी का जन्म कैसे हो गया? इसमें ऐसी बात है भाई कि जिस दिन मेरे सास और ससुर की सुहाग रात थी ना, उस दिन अमावस थी। मेरी सास मेरे ससुर का मुंह नहीं देख सकी और मेरा ससुर मेरी सास का मुंह नहीं देख सका। अरे उसी में तो सब गड़बड़ हो गई ना। बाप रे, ये अमावस की छोरी तो होती है बहुत भारी। अरे मंगल से भी ज्यादा भारी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि शादी मत करो। अरे गड़बड़, पर मैंने तो सुना है कि शादी एक लकड़ी का लड्डू है। अरे मेरी शादी तो लोहे का लड्डू है भाई, ना खाए तो पछताए और खाए तो सीधा ऊपर ही पहुँच जाए। इसीलिए कहता हूँ भाई कि पहाड़ दूर से ही सुंदर दिखते हैं और पराई औरत सबको अच्छी लगती है। अगर तुम लोग सच में मुझे अपना गुरु समझते हो ना, तो मेरा तुम लोगों को एक उपदेश है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे कभी मत खाना। अरे तुम लोग इन्हें क्यों मार रही हो? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तेरी बीवी तो तुझे छोड़ के चली गई पूरे गांव को पता है, और तू मेरे पति को बिगाड़ रहा है? चल जा यहाँ से। मेरी माँ मेरी माँ, तुम लोग इन लोगों को क्यों मार रही हो? अरे ये लगता मेरे शिष्य है। तेरी बीवी ने तुझे छोड़ दिया ये सारा गांव जानता है। तूने अपना संसार तो छोड़ दिया, अब तू मेरा संसार बिगाड़ रहा है, चल भाग यहाँ से। हे माँ, जगदम्बे माँ, भवानी माँ, अरे भद्रकाली माँ, अरे आप मेरे शिष्यों को क्यों मार रही हैं? अरे हम लोग तो साधु हैं और साधुओं को स्त्री का बंधन नहीं होता, साधु तो हमेशा मुक्त होता है। एक और बढ़िया, जिसने तुझे जन्म दिया है तू जिसका भाई है और जिसने तेरे साथ शादी की है वो भी स्त्री है, समझे तुम? चलो। हाँ पर आप भी ये मत भूलिए, जिसने हमें ये भगवा धारण करवाया है वो भी स्त्री ही है। अरे खाना बनाने की लकड़ियाँ खत्म हो गई। सोना, ए सोना, सोना, ए सोना, क्या है माँ? सुन, घर में खाना बनाने की लकड़ी नहीं है, तू लकड़ियाँ काट। पर मैंने तो कभी लकड़ियाँ नहीं काटी माँ। अच्छा, पति के साथ घूमना आता है पर लकड़ियाँ काटने नहीं आती? चल ले पकड़ पकड़। और देख, अगर लकड़ियाँ काटे बिना घर आई तो इस कुल्हाड़ी से तेरे पैर काटूंगी। हाँ Thank you.
पिला दो, थोड़ा पिला दो पानी। पानी पीना है? पानी पीना है तुझे? ये ले पानी पिलाती हूँ तुझे, ये ले यहाँ आजा, ये ले, ये 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 ले, ये ले। कमबख्त नीच, मेरी सोना को परेशान कर रही है। सोमू छोड़ उसे, छोड़ छोड़ मैं कहती हूँ छोड़। मेरी फूल जैसी बच्ची को मार रहा है, तू समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी जिंदा बैठी हूँ। अरे क्या जिंदा बैठी हो, ये अकेली तुम्हारी बेटी है, ये भी तो तेरी बेटी है, ये भी तो अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आई है। सोमू, इस बेचारी को जरा प्यास लगी तो इसने पानी मांग लिया, तो तुम्हारी लाडली ने पानी की धार को जमीन पर गिरा दिया और इसका मजाक उड़ाया। सब कारस्तानी इस लड़की की है, आज तक तो तूने मेरे सामने एक शब्द तक नहीं बोला, आज मेरी बेटी को मेरे सामने मारने भी लगा है तू। माँ माँ देखना, चार दिनों में ये सोमू हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल के फेंक देगा। अरे मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे घर से बाहर निकालूं, इससे पहले तू ये घर छोड़कर अपने घर में चली जा। देखो देखो माँ, तेरा बेटा मुझसे क्या कह रहा है। सोमू, मैंने तुझे 9 महीने तक कोख में रखा और ये कल की आई हुई लड़की तुझे भली लगती है? हाँ बोल, किसने फेर दी तेरी बुद्धि? माँ तू मुझे कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। सोमू सोमू, आज मेरे भाई ने मुझे पहली बार मारा। रो मत बहन, रो मत। तुझे पानी पीना है ना, पानी पीना है ना तुझे? ले, पी ले। अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता, चलो हम लोग अलग हो जाते हैं। क्यों? मेरे कहने का मतलब समझी या नहीं? चलो हम लोग अपना अलग घर बनाते हैं। तो माँ और बहन का क्या? मुझे ये लोग नहीं चाहिए। एक माँ को उसके बेटे से अलग करने का दोष मेरे सर पर आए, यही चाहते हैं आप? तुम पर जो ये लोग दुखों की बारिश कर रहे हैं, ये बारिश अब मुझसे नहीं देखी जाती। मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने क्या कभी आपसे ऐसा कहा है? मुझे सब दिखता है कि तुम कितनी दुखी हो। सुख और दुख, इसका नाम ही तो घर संसार है सोमू। अरे ये कैसा घर संसार है, ये लोग तुम्हें दुख पर दुख देते जाते हैं और मैं चुपचाप देखता रहता हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। आप ऐसा मत बोलिए, माँ दुर्गा सब ठीक कर देंगी सोमू। अरे ये कोई जीवन है? देले भर की कमाई नहीं और घड़ी भर की फुर्सत नहीं, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। आपका क्या कहना है भाई? अरे गड़बड़दास, अरे बात कहाँ रहा है गड़बड़दास? अरे रुक तो गड़बड़दास, अरे रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। सोमू मैं गांव में नहीं आने वाला था, सच कह रहा हूँ मैं नहीं आने वाला था। क्यों? मेरे पांव खींच के ले आए तो मैं क्या करूँ? तो सुनो, आए हो तो अपनी बीवी को लेकर जाओ। अरे ना भाई ना, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो ऐसी बीवी मिली मुझे? मुझे वो चंडाल नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए ये बात तो समझ सकता हूँ, पर इसे मेरे लिए लेकर जाओ, नहीं तो मेरी माँ और बहन सोना को जीने नहीं देंगे। अरे कैसे जीने देगी, जिस औरत ने अपने इकलौते दामाद की जिंदगी में जहर घोल दिया हो वो औरत सोना को कैसे जीने देगी? सोमू तू चिंता मत कर, मैं सोना के लिए यहाँ जरूर आऊंगा और लकड़ी से मार मार कर उस मीठी को ले जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद उस मीठी को मीठी से कड़वा जहर बना दूंगा। नागिन डायन। अरे वारे मेरी मीठी, घर में बैठी बैठी मिठाई खा रही है, यहाँ तेरा पति जंगल में जोगी की तरह भटक रहा है और तू अपनी माँ के यहाँ बैठी बैठी रंगरलियाँ मना रही है। बैठी क्या है, खड़ी हो जा, अंदर जाकर पानी का लोटा ला और मेरे पैर धो, और वही पानी तू अपने सिर पर डाल क्योंकि मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, और फिर हम अपने घर चलेंगे। चलो। तेरे घर तो मेरे पैर की जूती भी नहीं जाएगी। बेवकूफ, स्वर्ग में जूती को ले जाएगी? अरे तेरे पति का घर ही तेरे लिए स्वर्ग है। चल मैं कहता हूँ, चल छोड़ मुझे, चल छोड़ दे। ओ माँ, माँ सुमा को नहीं ले जाना है। माँ नहीं, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मेरी बेटी का हाथ, ये तेरे साथ नहीं जाएगी। देखो सासुमा, तुम मेरे घर संसार में अपनी टांग ना फंसाओ तो बढ़िया रहेगा।
अगर मेरी बेटी के साथ घर बसाना है तो हमारे जैसा घर ले और नौकर चाकर रख, समझे? अच्छा, तो तुमने कौन से घर में नौकर चाकर रखे हुए हैं? तुम्हारी सोना ही बिना पगार की नौकरानी है या? ये तो उसके कर्मों की सजा है। ए, अब भूत की तरह क्या खड़ा है? दरवाजा खुला हुआ है। वो तो मुझे दिख ही रहा है। हाँ तो जाता क्यों नहीं? यानी आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं? ए मिठी, ला वापस दे मेरा मंगलसूत्र। क्या कहा, मंगलसूत्र? अरे जा जा, ये तो सोने का है, नहीं दूंगी। और पीतल का होता तो? दे दे दे। लो सासू माँ, ये आपकी सोने की अंगूठी जो आपने मुझे शादी के समय दी थी, समझी? और सुन लो, अब आज से मेरी और मिठी की शादी रद्द। रद्द। अरे माँ, माँ अब मेरा क्या होगा? ये तो दूसरी शादी कर लेगा। क्या दूसरी शादी करेगा? इस निकम्मे को कौन अपनी लड़की देगा? अभी आएगा तो मिलाता वापस। यहाँ जैसा सुख उसे और कहाँ मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। लो इस बात पर मुंह मीठा कर लो। अरे मेरी लाडली बेटी। अरे गुरुदेव। बेटा सोना, अखंड सौभाग्यवती भव। आपने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गई गुरुदेव। कैसी हो बेटी तुम? आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ मैं। तुम्हें देखकर बेटा सोना ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत दुखी और चिंतित हो, भले ही तुम मुझसे ना कहो। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी सास तो मेरी माँ जैसी है और ननद तो सगी बहन से भी बढ़कर है। मेरा पति परमेश्वर जैसा है, मुझे तो घर में फूलों की तरह रखते हैं। गुरुजी, आप यहाँ पर कब आए और कितने दिनों तक रहेंगे यहाँ पर? मैं आज सुबह ही आया। यहाँ मेरी दुर्गा माँ का बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, इसीलिए माता के दर्शन करने मैं मेले में जा रहा हूँ। गुरुजी, मुझे भी माँ के दर्शन के लिए जाना है, मुझे भी आपके साथ आना जब है। जब तक हाथ पैर चलते हो और आँख से दिखाई देता हो, तब तक माँ के मेले में जाना चाहिए। माँ के मेले में जाने से जीवन धन्य हो जाता है। गुरुजी, आप सब मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारेंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। अवश्य आऊँगा। गुरुदेव, जब आप मेरे घर आएंगे और मेरी सासू माँ को समझाएंगे तो आपकी बात जरूर मानेंगी और मुझे आपके साथ जाने देंगी। अवश्य बेटा, मैं उनसे विनती करूँगा और समझाऊंगा। हम सब माँ दुर्गा के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ माता के दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ बहन। अरे माँ वैष्णो देवी और दुर्गा के दर्शन करना तो बड़े सौभाग्य की बात है, आप जरूर हमारे साथ चल सकती हैं बहन। आपका धन्यवाद बहन, मैं भी मेरी माँ के चरणों में माथा टेकना चाहती हूँ। माँ तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने मुझे अपने पास बुलाया है। और मेरा एहसान भी भूल गई क्या? ये क्या बोल रही है माँ? क्यों, ये घर छोड़ के अनजान लोगों के साथ जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, ये बहन तो माँ दुर्गा के दर्शन करने की बात कर रही थी। अच्छा, इस घर की माँ दुर्गा मैं ही हूँ, माँ अम्बा और माँ जगदम्बा भी मैं ही हूँ। करना ही है तो तू भी कर ले इस महाकाली के दर्शन। ऐसा बोल के अभिमान करके आप भक्तों की भक्ति का और माँ दुर्गा का अपमान कर रही हो, आपका कभी भला नहीं होगा। ए! तेरे घर खाने नहीं आती हूँ, और मेरा नौजवान बेटा जिंदा है अभी तक, और भोली बनकर अनजान लोगों को भगाने का काम बंद कर। माँ
अनजान लोगों से ऐसा कहते हैं क्या? चुप, अनजान लोगों से तो बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है, और मैं तेरे साथ सारा दिन रहती हूँ उसका कुछ नहीं, क्यों? वो तो स्वभाव की बात है, आपके साथ सारा दिन तो क्या, एक घड़ी भी बिताना मुश्किल है, आपके साथ बात करना भी पाप है। बहन मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे माता के दर्शन के लिए जाना है। चल, अनजानों के सामने मेरी बेइज्जती करती है, तुझे माँ के दर्शन करने हैं ना, चल आज तुझे मैं अपने आप ही दर्शन करवाती हूँ। माँ ये सब क्या है, दिन भर कच 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 कच, क्या हुआ है तुम्हें? ए मुझे मत कह, ये तो अपनी रूपाली राधा को बोल, ये तो मेरा एहसान मान के अनजानों के साथ भाग रही थी और मैं इसे पकड़ कर ले आई हूँ। माँ तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हारी जुबान है या कैची? तलवार है तलवार, तुझसे जो होता है वो कर ले, और एक बात कान खोल के सुन ले तू, इस घर में जो मैं कहूँगी वही होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, संभाल तेरी भक्तन को। माँ मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। टांगे तोड़ दूंगी अगर इस घर से बाहर पैर रखा तो। तेरी इस बीबी की वजह से तो मेरी टांग टूट गई माँ। मुझे दर्शन के लिए जाना है, मुझे माँ के दर्शन करने। आराम से भोजन कीजिए गुरुजी। बेटा माता का मेला यहाँ से बहुत दूर है, पर मुझे मेले में जाने की बड़ी इच्छा हो रही है गुरुदेव। ए, इन भिखारियों को कहाँ से उठा के ले आई? माँ ऐसा मत बोलिए, ये मेरे गुरुदेव हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं, खाना ठूस रहे? इनको मैंने खाने के लिए बुलाया है मीठी बहन। किसको पूछ कर बुलाया, ये क्या धर्मशाला है, मुझे लूटने बैठी है बड़ी आई भक्तन। माँ दुर्गा कृपा करो। क्या दुर्गा दुर्गा कर रहे हो, इसने तो तुम्हें बुला लिया, पर तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए ना, ये भगवा पहनकर निकल पड़े सारे गांव को लूटने क्यों? मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ, माता जी का मेला है, माता का आदेश है कि मैं सोना को लेकर माँ के दर्शन करने जाऊँ, मैं आपसे विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ, सोना को मेरे साथ माँ के दर्शन के लिए भेज दीजिए। अभी इसका पति बैठा है, आपके जैसे भिखारियों के साथ तो कभी ना भेजूं। गुरुदेव मैंने आपको यहाँ पर बुलाकर बहुत अपमानित करवाया, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, मुझे माफ कर दो। जैसी माता की इच्छा, बेटी तुम तो निमित्त मात्र हो। ए चलो चलो भिखारियों, चलो जाओ यहाँ से, बहुत हो गया, चलो। और सुन चलिए सब साफ कर ले तू, चल। अरे 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 अरे, इतना सारा खाना, चार को बुलाया और 40 का खाना, अरे अरे ये क्या करने बैठी है माँ? ए माँ क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? माँ देखो ये सोना ने कितना सारा खाना बनाया है। आय हाय हाय कलमुही, ये भक्तन तो पूरा घर साफ कर देगी, सत्यानाश हो उसका। तो उसे यहाँ ले आ, आज उसके बराबर खबर लेती हूँ। रुक मीठी, मैं उसे अभी यहाँ लेकर आती हूँ। भिखारियों को खाना खिलाना है, मुझे लुटा देगी। नाना मैं देखती हूँ तुझे मेले जाने कौन देता है, अगर तू अब सीधी नहीं रही ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बेटे। हाँ माँ। बेटे देख क्या रही है, जला दे इसे। जय माँ दुर्गे। अभी उस चुड़ैल को पकड़ कर लाती हूँ।
सोमू, ए सोमू, सोमू कहाँ है तेरी रानी? ए डायन, तेरे में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तूने मेरी बेटी को जला दिया? नहीं माँ, नहीं। चुप रहो माँ, तो माँ बेटी ने इसे जलाने की कोशिश की, ये तो इसने मुझे बताया ही नहीं, और मैंने खुद देखा कि आप लोगों ने इसे जलाया। और सोना, ये तो मेरे साथ ही है, ये तो कमरे से बाहर निकली नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, सोने दो। जैसा बाप वैसा बेटा। माँ, माँ मुझे बहुत जलन हो रही है। अरे तू अब अपनी जुबान बंद कर, तेरे कारण ही मेरा मुँह काला हुआ है। अब चल यहाँ से। माँ, सबकी रक्षा करना माँ। सोना, सोना तू मंदिर में मेरे दर्शन करने आना और मेले में भी जरूर आना। माँ, माँ ने मुझे बुलाया है, मुझे तो माँ के पास जाना ही होगा। माँ, माँ मैं आ रही हूँ, माँ, माँ मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ, मैं दर्शन के लिए आ रही हूँ माँ, मैं आ रही हूँ माँ। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है तू? मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के दर्शन के लिए जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये तो पागल हो गई है माँ। तुझे हजार बार कहा है पूजा ना कर, पूजा ना कर। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, माँ दुर्गा पूरी रात मेरे साथ थी, मुझे एक बार जाने दो, मुझे माँ के दर्शन के लिए जाने दो। नहीं जाने दूंगी, जाने दो, मुझे छोड़ बेटी, पकड़ इसे, बेटी जाने दो, मुझे जाना है, अरे जाने दो। सोना, सोना मुझे माँ के पास जाना है माँ। सोना, सोना क्या हुआ? सोना, सोना क्या हुआ? सोमू पूरी रात माँ दुर्गा मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे बुलाया है। सोमू एक बार मुझे उनके पास जाने दो, एक ही बार जाने दो, मुझे जाना है माँ दुर्गा के दर्शन करने हैं। मुझे दुर्गा माँ के दर्शन के लिए जाना है, मुझे जाना है, माँ के दर्शन जाने दो, माँ माँ के मेले में जाना है। चलो करो, चल चल, मुझे छोड़ो, मुझे माँ के दर्शन के लिए। माँ ये तुम लोग क्या कर रही हो? माँ इसे छोड़ दो, माँ मुझे छोड़ दो, बेटे रास्ते लेके आओ, मुझे जाने दो। ये ले माँ, पकड़, चल पकड़, पकड़ो इसे माँ, कस के बांध, पकड़ो। माँ के दर्शन करने जाना है, माँ के पास जाना है, दुर्गा माँ के दर्शन करने ना। अब देखती हूँ कैसे जाती है। मुझे जाने दो माँ, मुझे जाना है। माँ मुझे अपने पास बुला लो माँ। दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, अब देखती हूँ इसकी दुर्गा माँ क्या चमत्कार करती है। कल की आई भक्तन मुझे चलना सिखा रही है, मुझे धर्म सिखा रही है, देखो तो। तो फिर चल माँ। सोमू अब तो निश्चिंत रह, अब सब कुछ तू मुझ पर छोड़ दे। सोना, ए सोना, तुझे माँ के दर्शन के लिए जाना है ना? तो जा, माँ की भी यही इच्छा है, तू जा। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हम लोग साथ में जाएंगे ना, तो माँ हमें जाने नहीं देंगे, तू जा, बाद में हम लोग साथ में चलेंगे। सोमू मैं माँ को बोलकर जाऊँ? इनको सोने दो, इनको मत उठाओ। तो फिर मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाती हूँ। देखो सोना, तुम्हें तो माँ के दरबार में जाने का सहारा भी मिल गया। माँ आपको डांटे या बहन आपसे कुछ कहे, आप गुस्सा मत करना, वो तो उनका स्वभाव है ना। उनकी चिंता तू मत कर, तू जा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ Thank you.
सोना, अब तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माँ। अच्छा लग रहा है ना? अब तो मेरी बात मानेगी ना? अब तो आप जो कहेंगी वही करूँगी, मैं तो आपकी नौकरानी हूँ। माँ माँ, ये तो क्या कर रही है? इसे छोड़ेगी तो ये साधुओं के साथ भाग जाएगी। मैं क्यों भाग कर जाऊँ, ये तो मेरा घर है। अरे अरे, ऐसा भी कोई आलस करता है क्या? जाकर काम कर। काम? कौन सा काम मीठी बहन? अच्छा कौन सा काम, भूल गई? बर्तन घिसने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, गाय धोनी है, लकड़ी काटनी है। अरे अरे अरे, इतना काम मैं अकेली करूँगी क्या? तो तेरी माँ वहाँ से आके करेगी क्या? मेरी माँ करेगी तो तू क्या करेगी? वक्त बेवक्त खा खा के भैंसे जैसी मोटी हो गई है, थोड़ा काम करेगी तो सूख नहीं जाएगी। हाँ ए, जबान संभाल कर बोल, भैंस किसे कहती है? इसका पति इसको छोड़ के चला गया और आपका पति आपको छोड़कर सन्यास लेकर साधुओं के साथ चला गया, ठीक है ना माँ? अगर आपके जैसे बिन पति वाला आराम करे तो मैं पतिव्रता भला क्यों काम करूँ, बराबर है ना माँ? क्या बोली तू? आज के बाद मेरे ऊपर अगर हाथ उठाया तो तू क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? मेरा हाथ, मिठी, मिठी मेरा हाथ। क्या हुआ तेरे हाथ को? मेरा हाथ, मिठी, मेरा हाथ तो उठ ही नहीं रहा, तो क्या हुआ? मैं इसे पैर से मारूंगी। आ, मेरा पैर। माँ क्या हुआ तेरे पैर को? मेरा पैर। मेरी माँ पर जादू करती है, अभी तुझे बताती हूँ। बता दूँ तुझे? हाँ बताओ। तेरा जादू देख लिया मैंने, अब तुम मेरा जादू देख। अरे लकड़ी कहाँ गई? मिठी ये सब क्या हो रहा है बेटा? कहाँ गई लकड़ी? नहीं मेरी बेटी को मत मारो। बेटी, बेटी, ये सब क्या हो रहा है बेटी? क्या हो रहा है ये? ये सब क्या हो रहा है माँ? बेटी, माँ ये सोना किसी तांत्रिक के पास जाकर जरूर कोई जादू दवा करवा कर लाइए माँ। मत मारो मेरी बेटी को। देख सोमू, ये जरूर किसी तांत्रिक के पास जाकर आई है। ये सब क्या चल रहा है सोना? ये सब माता जी की शिक्षा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक बार मुझ पर दया कर सोना, देख। माँ तुम एक बार प्रेम से बोलो माँ दुर्गा कृपा कर और फिर देखो। माँ दुर्गा कृपा करो, माँ दुर्गा कृपा करो। आ, 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 सोना, सोना मेरा हाथ ठीक हो गया। सोना माँ दुर्गा, माँ दुर्गा कर कृपा। सोना, सोना मेरा पैर भी ठीक हो गया। बेटी, तू भी माँ दुर्गा का नाम ले बेटा। ना माँ, मैं किस लिए दुर्गा का नाम लूँ? नहीं माँ दुर्गा, माँ दुर्गा मुझे माफ कर माँ, मुझे माफ कर माँ। अब अपना जेवर उतारो। हाँ बहू। तुझे अलग से कहना पड़ेगा मुझे। हाँ तू अपने गहने उतारो, रसोई जाकर साफ कर और जाकर कपड़े धो और ये जरी की साड़ी बदल दे। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही है मुझे, जा जाकर अपना काम कर। हाँ भाभी। सोना ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? ये आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़े दिन जाने दो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले तो सोना कुछ बोलती नहीं थी, अब इसे जबान कहाँ से आ गई? ए मन में इतनी जोर से मत बोल, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ अब मैं कुछ बोली?
आहा, मन में इतना जोर जोर से बोलेगी तो सुनाई नहीं देगा। चल काम कर अपना। अरे खड़ी क्या है, चल जा काम कर। ये बहू है ये जादूगरनी, मेरे जुर्म का कोई असर ही नहीं इस पर। जादूगरनी किसको बोल रही है रे, जाकर अपना काम कर। हाँ। मैं कुछ बोली बहू? मन में इतना जोर जोर से बोलोगी तो सुनाई नहीं देगा क्या, चलो जाकर काम करो। हाँ। बेटी के बीच में झगड़ा करवाऊं तो बहुत मजा आएगा। ये मेरी बेटी ही मेरा बुरा चाहती है। माँ का विचार बदल गया, अब बेटी का विचार बदलती हूँ। ये मेरी माँ मेरी ही दुश्मन बन गई है। अब आएगा मजा। अरे ये पोछे की जगह साड़ी कहाँ से आ गई? मुझे सब पता है माँ कि तू ही मेरी दुश्मन है। दुश्मन मैं नहीं, तू मेरी दुश्मन है। एक तो ससुराल जाती नहीं यहीं पड़ी रहती है और तू मुझे दुश्मन कहती है। हाँ हाँ कहूँगी, एक बार नहीं 100 बार कहूँगी कि तू ही मेरी दुश्मन है। अब तेरे जीने के कितने दिन बचे हैं माँ? ये तू क्या बोल रहे है? बुढ़ापे में और दूसरा कब्र में लटका है फिर भी ये साड़ी छाती से लगा कर रखी है और मेरी साड़ी से पोछा कर रही है तू। देखो तो सही। क्या कर रही हो ननद जी? कपड़े धोने बैठी हो तो बराबर धोना, नहीं तो पता है ना। हाँ हाँ पता है, अच्छी तरह से धो देती हूँ। मेरी माँ मेरी साड़ी से पोछा कर रही थी, अब देख तू। मेरी साड़ी से पोछा कर रही थी, अब कर अपनी साड़ी से पोछा। हाय हाय, क्यों? ले लिया बदला? नहीं नहीं, मैं कहती हूँ मैंने तेरी साड़ी से गलती से पोछा किया और तूने मेरी नई साड़ी के चिथड़े चिथड़े कर दिए। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया इस लकड़ी ने किया माँ। पता नहीं इस लकड़ी को क्या हो गया, उसने साड़ी फाड़ दी माँ। अच्छा हुआ माँ, अभी तो बस साड़ी ही फाड़ी है, इसका बस चले तो ये आपको क्या मार डालेगी ये मुझे। अरे बेटी होकर मेरा गला दबाती है, छोड़ छोड़, मैं कहती हूँ तू छोड़, मेरी बेटी होकर मेरा गला दबाती है। अरे माँ छोड़, ये क्या कर रही है? मैंने कहा तेरा गला दबाया है, मैंने कहा था ना मेरी माँ सच में पागल हो गई है। तू मुझे पागल कहती है? रुक जा तू। अरे माँ तू ये क्या कर रही है? तू तो सच में पागल हो गई है माँ। रुक जा तू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गुरु मेरा दयालु है, कर दे मुझ पर दया, पर जाए उसकी दृष्टि तो बदल जाए सबकी काया। कौन है तू, क्या बात है? प्रभु मैं गड़बड़, प्रभु मेरी पत्नी मेरे काबू में नहीं है, हमेशा अपनी माँ का पल्लू पकड़ पकड़ कर घूमती रहती है, उसे काबू में करने का मुझे कोई गुरु मंत्र दीजिए। सुन जा, विजयी हो। धन्यवाद गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो गुरुदेव। Thank you.
क्यों, कैसा लग रहा है सासू माँ? अच्छा लग रहा है। मीठी, बेटी होकर ऐसा कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल यहाँ आकर लकड़ी काट। जा मीठी, जाके लकड़ी काट, जा। उसने साड़ी फाड़कर मुझे मार खिलाई थी ना, अब देखो मेरा जादू। ए माँ बेटी, जरा इधर आना तो। मेरे हाथ में कौन से रंग की साड़ी है? जो सच बताएगा आज उसको कामकाज से छुट्टी। सचमुच? सोन बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बताती हूँ। नहीं माँ, पहले मैं बताती हूँ। मुझे कहने दो ना माँ, मुझे बहुत थकान हो रही है। आय हाय, पूरे दिन बांस की तरह खड़ी रहती है और जाने क्या क्या पेट में भरती रहती है। तू ठहरी हट्टी कट्टी, शर्म नहीं आती तुझे? चलो दोनों को एक एक मौका मिलेगा। सासू माँ पहले आप कहो। सफेद है। मीठी बहन अब तुम्हारी बारी। ये तो लाल है। अरे माँ, तू तो बिल्कुल अंधी हो गई है। शादी में पहनने वाली लाल साड़ी को तू सफेद साड़ी कह रही है। अंधी तो तू और तेरा बाप, ये तो सफेद साड़ी है। अरे ये तो लाल साड़ी है। सफेद साड़ी है। अरे माँ, तू तो सच में अंधी हो गई। तू अंधी हो गई है। माँ अब तो हद हो गई है, तू पागल हो गई है। मुझे पागल और अंधी कहती है? अब दिखाती हूँ पागल हूँ या अंधी हूँ। ले मीठी बहन, ओ मीठी बहन, मीठी बहन, कैसा लगा साड़ी का रंग? लाल है। लाल नहीं, सफेद है। बस 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 बस, बहुत हो गया, अब अंदर जाकर अनाज पीसो। पर मैंने तो कल ही सारा अनाज पीस दिया था। तो फिर? तो खाली चक्की चलाओ, मुझे चक्की की आवाज से नींद अच्छी आती है। जाओ। गुरुदेव, मेरी मदद कीजिए गुरुदेव। हरिओम तत्सत। बोल बेटा, तुझे क्या दुख है? गुरुदेव, मेरी भाभी के पास कोई असुर शक्ति आ गई है। किसी तांत्रिक वांत्रिक ने उसे ऐसा मंत्र दिया है जिसकी शक्ति से वो मुझे, मेरे भाई को और मेरी माँ को उंगलियों पर नचा रही है। गुरुदेव मेरी मदद कीजिए, मुझे भी ऐसी कोई शक्ति दीजिए। तू तो बहुत बड़े तांत्रिक के पास आ गई है। ओम त्रीम ब्रीम चौ, ये ले विनाशकारी भस्म और ताबीज। इसके शरीर पर फेंकेगी, उसके सारे शरीर में आग आग फैल जाएगी। जा, सुखी रहे। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। सुबह सुबह मेरे पास क्यों आ गई तुम दोनों? काम धंधा नहीं है क्या? मैंने तुमसे कहा इस तरह काम धंधा करती रहोगी तो सब ठीक रहेगा। तुम्हारे लिए काम ही पूजा है। जा मीठी, जाकर काम कर। जा, अरे खड़ी क्यों है? मैं काम करूंगी तो तू क्या करेगी? अब तो मैं एक ही काम करूंगी, माता जी का स्मरण 24 घंटे करूंगी। अच्छा, स्मरण करेगी? तो देख। देखा ना माँ, मैं कह रही थी ना, अभी और भी देखना है चमत्कार इसका। ए, चल थाली रख और खड़ी हो जा। हाँ, अब आगे चल। बस अब वही खड़ी रहे और अब वैसे ही पीछे आ। आ आ
अब नीचे बैठ। अरे वहां नहीं, नीचे। हाँ अब खड़ी हो जा और गोल घूम घूम घूम, अब ऐसे ही आगे चली जा। रुक जा और मेरी तरफ पलट कर आना। माँ देखा इसका चमत्कार, अब बोल सोना से क्या काम करवाना है। बेटा काम कर कर के थक गई हूँ, इससे कह मेरे पैर दबा दे। ए सोना चल यहाँ आके मेरी माँ के पैर दबा। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? बेटी ये सोना नहीं, ये राक्षस है। क्या बात कर रही माँ? अरे ये तो सोना है। और ये सोना है। सोना तू हमें जादू दिखा रही है, अब देख मैं तुझे क्या दिखाती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुझे? मेरे पूरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। हाँ तो होगी ना, जो पत्नी अपने पति का कहा ना माने उसकी यही हालत होती है, देख लो। सोना भाभी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालिए भाभी। मेरे पैर पड़ने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे पैर पड़ने हैं तो अपने पति के पैर पड़। अरे मैं इसके पैर किस लिए पड़ू? पैर पड़ मेरे, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगी तू। बेटी जल्दी पैर पड़, मुझे माफ कर दीजिए। पागल खड़े खड़े नहीं, झुक के पैर पड़। अरे मुझे माफ करिए ना। माँ माँ मैं ठीक हो गई माँ। देख रही, इसने मेरा कहा माना ना, इसीलिए ठीक हो गई। सोना बहन आप स्त्री नहीं देवी है, देवी। चल रहे मिठिया, अब अक्कल आ गई हो तो चल अपने घर। मैं नहीं चलूंगी। अरे चल ना, नखरे मत कर, चल। एक बार कहा ना, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? जय गुरुदेव। ले ले ले, मेरा खून पी गई, मुझे परेशान कर दिया मेरी नींद उड़ा इसने। हे आप बीच में मत आइए सासु मां, बैठ जाइए चुपचाप यहाँ पर। तुझमें इतनी हिम्मत आ गई कि मेरे सामने मेरी बेटी को मार रहा है तू? सासु मां ये आपकी बेटी थी, अब मेरी बीवी है, बीवी समझी, मैं जो चाहूँ सो करूँ। मतलब? मतलब आपको बीच में नहीं आना है, समझी आप? बैठिया, तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू घर आ रही है कि सोना बहन को कहूँ मैं? ये मेरा संसार है, इसमें सोना का क्या है? देखा ना, देखा सोना बहन, जैसी करनी वैसी भरनी। हाय हाय, ये क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे सोना, अब मेरी बेटी पर और जुल्म ना कर, तू कहे तो मैं तुझसे माफी मांगू, पर तू इसे माफ कर दे। इसे बता दो कि अगर ये अपने पति के साथ माताजी के मंदिर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। जा बेटा माताजी के मंदिर के दर्शन कराओ। चल अब बास की तरह क्या खड़ी है, चल मंदिर जाने के लिए तैयारी कर, चल।
जय माता दुर्गे। मिठी, हम इस मंदिर में क्यों आए हैं? सही कह रही है तू, यहाँ आने के बाद मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। चल, माता के चरणों में माथा टेक, वो तुझे जरूर आशीर्वाद देंगी। मिठी, अब आ ना कर और बोल जय माँ दुर्गे, ये तुझे जरूर माफ करेंगी। बोल जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय। अरे मैं बोलने लगी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गा। अब तो तुम इतना बदल गई हो कि मेरा घर घर नहीं रहा, स्वर्ग हो गया है। तुम तो सबके दिलों में सुगंध की तरह बस गई हो। अब तो हम सब लोगों का जीवन धन्य हो गया है। अब सोना, जब जब मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना करके मुझसे दूर चली जाती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे अपने चरणों में जगह दे दो ताकि मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूं और तुम्हारे पास आ सकूं। माँ, माँ मुझे दर्शन दे दो। माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो तो फिर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब मैं तुम्हारा दरबार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ तू मुझे अपने चरणों में जगह दे। अब मुझे संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना है। माँ नहीं लेना है। माँ दुर्गा अब मुझे मुक्ति दे दो। मुझे अपने चरणों में समा लो माँ, अपने चरणों में समा लो माँ, मुझे अपने चरणों में समा लो माँ, माँ मुझे अपने चरणों में समा लो माँ, माँ। क्या हुआ? माँ हमारी सुना हमें छोड़कर चली गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। माँ क्या कहा तूने? मेरी सुना वापस नहीं आएगी? हाँ माँ, मेरी सोने जैसी सुना हमें छोड़ के चली गई। ये कहते हुए तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात मान माँ। हाँ सासू माँ, सोना वहाँ मंदिर में माता जी की मूर्ति में जीते जी समा गयी। अरे मीठी बहन, अरे सोना। अरे मीठी बहन, तुम माता जी के दर्शन के लिए गई थी ना? दर्शन किए? हाँ। अरे मीठी, अब चुप क्यों खड़ी है? मुंह में लड्डू रखा है क्या? मेरी सोना दुनिया छोड़ के चली गई, ये कहने वाली तू ही है ना? पर माँ मैंने तो इसे। सासू माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। जरूर जरूर मुझे लग रहा है कि ये माता जी की कोई लीला है। मुझे तो लगता है ये सोना बहन नहीं उसका भूत है। अरे ये कैसा चमत्कार है, यहाँ भी सोना और वहाँ भी सोना। ये दोनों तो नकली हैं। अरे कौन है तू? मेरी सोना जैसी ही दिख रही है तू। माँ मैं तुम्हारी सोना ही हूँ। तू मेरी सोना है तो फिर ये कौन है? ये मुझे पता नहीं। मैं दुर्गा माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं आपकी बहू सोना ही हूँ। आपको याद है आपने उस रात मुझे बांध दिया था? हाँ बोल। आप इसके बात मान रही है? बंधी हुई थी तो बाहर कैसे गई? अब सच क्या है यह भी पता चल जाएगा। आप ही ने तो मेरी रस्सी खोली थी। मैंने? एकदम झूठी बात है, मेरी सोना कभी झूठ नहीं बोलती। माँ ये लड़की कोई और है,
अभी इस घर से बाहर निकाल दो इसे। आप कौन हैं? ये मुझे कुछ पता नहीं। आप मेरे घर पर क्यों आई हैं? ये मैं नहीं जानती। मैंने क्या अपराध किया है? किस लिए मेरी परीक्षा ले रही हैं? बोलिए बोलिए आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये तुझे अभी भी पता नहीं चला? मैं तो इस घर का उद्धार करने के लिए आई हूँ। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर तो देखो। आप मेरी आंखों के सामने थी और मैं आपको दर दर ढूंढ रही थी माँ। माँ माँ, आपके पैरों में झुकने की बजाय मैंने आपसे अपने पैर दबवाए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। हे माँ, मुझ पापिन का भी आप उद्धार कर दीजिए माँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माँ, मैंने आप पर कितने तंत्र मंत्र किए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये तो माँ है माँ, ये सबको माफ कर देंगी। माँ 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 माँ, मुझे वापस क्यों भेजा माँ? माँ मुझे संसार सागर में फिर से क्यों भेजा माँ? मुझे दूसरा जीवन नहीं चाहिए माँ। माँ तुम मुझे अपने साथ ले चलो माँ। माँ मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे यहाँ नहीं जीना माँ, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना। सोना, अपने सोना, साथ ले चलो माँ। देखो ऐसा तुम मत कर बेटा, सोना, मत कर। अपने साथ सोना, ले चलो माँ। सोना उठ, उठ सोना। माँ, तुझे माता के मेले में भेजने वाली मैं ही थी। तू मेरे दर्शन करने गई थी ना? तेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। इस संसार में तेरी जिम्मेदारियाँ अभी पूरी नहीं हुई। तू इस पृथ्वी पर ही रहना और भक्ति की महिमा पूरे संसार में फैलाना। हे माता।